नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश की पहली दृष्टि बाधित आईएएस दो बार पास की यूपीएससी। पहली बार में रेलवे ने नहीं दी नौकरी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करके आईएएस आईपीएस बनना लोहे के चने चबाने जैसा है। किसी दृष्टि बाधित के लिए यह कितना कठिन हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। आज आपकी मुलाकात देश की पहली दृष्टि बाधित आईएएस प्रांजल पाटिल से कराने वाले हैं, जिसकी कहानी बेहद प्रेरक है। दोनों नेत्रों से दृष्टि बाधित आईएएस प्रांजल पाटिल ने तमाम चुनौतियों और मुश्किलों के बीच से रास्ता बनाते हुए यूपीएससी क्लियर करने में कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र के उल्लास नगर में जन्मी प्रांजल पाटिल ने बचपन में ही अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन वह और उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। प्रांजल पाटिल की स्कूलिंग कमला मेहता दादर दृष्टि बाधित स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। जेएनयू से किया पीजी। प्रांजल पाटिल ने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और डीयू से एमफिल व पीएचडी किया। इसके साथ ही वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। जेएनयू से किया पीजी। प्रांजल पाटिल ने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से इंटरनेशनल रिलेशन, ये वही वाला है। प्रांजल पाटिल ने साल 2016 में पहली बार यूपीएससी एग्जाम दिया। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने ऑल इंडिया 744वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन उन्होंने 2017 का यूपीएससी एक बार फिर दिया। इस बार भी उन्होंने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि अपनी रैंक में भी अच्छा सुधार किया। वह ऑल इंडिया 124वीं रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बनी। प्रांजल पाटिल की सफलता में एक और खास बात यह भी रही कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम बिना किसी कोचिंग के क्रैक किया। उन्होंने किताबें पढ़ने के लिए एक खास तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जो किताबें पढ़कर सुनाता था। साल 2017 की सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने के बाद उन्हें केरल के एर्नाकुलम में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया। पहली बार यूपीएससी क्लियर करने पर प्रांजल को रेलवे सर्विस मिली थी, लेकिन रेलवे ने उन्हें दृष्टिबाधित होने के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।